नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्टिविटी 3 में लिखा है कि जो उपरोक्त लाइंस हैं, जो अपन ने लास्ट वीडियो में पोएम देखी, उसी को आपको सही टिक करना है कि क्या सही है। तो इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं डालने वाली हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। जो पोएम थी उसे एक बार फिर से पढ़ना है और ये लाइनें मैच करनी है। वहाँ पे नॉर्थ लिखा था या साउथ लिखा था, ग्रेट स्मॉल लिखा है, बिग पाइल लिखा है, क्या लिखा है, तो बस वही देखना है। तो इसमें मैंने टिक तो कर दिया, बाकी आप बस इतना ही करना है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर डालने की चीज़ नहीं है। फिर देखते हैं, यहाँ पर एक इनने क्या दिया, एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। फिर अपने को बोला है आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करना है। तो पहले तो मैं पूरे पैराग्राफ को समझाऊँगी, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे और फिर याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा था उस टाइम, मतलब क्या बोला था, क्या था वो सिचुएशन, और अपनी हिंदी में ही करेंगे और फिर उसको इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्क्ड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। एक समय की बात है, एक हॉर्स ट्रेनर, मतलब जो घोड़ों को ट्रेन करता है ना, उनको बोलते हैं हॉर्स ट्रेनर, वो भोपाल का था, भोपाल में रहता था। वहाँ किसके लिए काम करता था, वो जो नवाब थे भोपाल के, उनके लिए काम करता था। हिज नेम वॉज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति। और वो जो हॉर्स ट्रेनर था उसका नाम था भोला और उसकी पत्नी का नाम था शांति। व्हेन भोला रिटायर्ड द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी। जब भोला रिटायर हो जाता है ना, मतलब उसकी नौकरी, मतलब थोड़ा बूढ़ा हो गया, क्या वो नौकरी नहीं करेगा, उसे रिटायरमेंट दे देते हैं, तब नवाब ने उसको क्या दिया था, एक कोल्ट दिया था और कुछ पैसे दिए थे। अब आप जानना चाहते होंगे कोल्ट क्या है। कोल्ट यानी घोड़ा के जो बच्चे रहते हैं उन्हें कोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अपन तो घोड़े के बच्चे बोल देते हैं, बाकी वो कोल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब आगे बोला है, व्हेन द कोल्ट ग्रे अप टू बी अ हॉर्स दे फील दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर। तो जब वो कोल्ट बड़ा हो जाता है, वो घोड़ा बन जाता है, तो भोला और उसकी बीवी को लगने लग जाता है कि अभी बड़ा हो गया, अभी ये ज़्यादा खाएगा, क्योंकि फॉडर यानी जो अपन इसको जो भी डालते चारा, अभी ये ज़्यादा खाएगा और ये वैसे भी अब तो रिटायरमेंट मिल गया, तो इतना कुछ तो इनके पास है नहीं कि वो उसे खिला सके। तो उनको ऐसा सोचने में आ जाता है कि अभी ये ज़्यादा खाएगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और अपन ने पास तो इतना है नहीं कि अपन इसको अफोर्ड कर सकें। शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो जो शांति और भोला है, वो दोनों ऐसा दिमाग कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अपन इसके बदले में इसे बेच कर कुछ और लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ पैराग्राफ था। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहले पूछा है हु वॉज भोला, भोला कौन था, आप याद करिए कौन था भोला। देखो, भोला एक हॉर्स ट्रेनर था जो किसके लिए काम करता था, नवाब जो थे भोपाल के उनके लिए काम करता था, नवाब यानी भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। तो वो पैराग्राफ से भी आप लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भाषा में भी लिख दिया, भोला वॉज अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। दूसरा क्वेश्चन है, वॉट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड। जब भोला रिटायर हो जाता है तब नवाब उसे क्या देता है, तो याद करिए एक कोल्ट दिया था उनने, घोड़े का बच्चा दिया था, और दूसरा क्या दिया था, कुछ पैसे दिए थे। तो मैंने लिख दिया नवाब गेव भोला अ कोल्ट एंड सम मनी व्हेन ही रिटायर्ड। फिर बोला राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक शब्द बताइए इसके लिए। वन हु ट्रेन द ट्रेन्स अ हॉर्स, जो घोड़े को ट्रेन करता है उसे क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेनर कहते हैं। वाई डिड भोला एंड शांति डिसाइड टू सेल द हॉर्स, भोला शांति ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम घोड़े को बेच देंगे। तो देखिए उसकी वजह सीधी थी कि अब घोड़ा बड़ा हो गया तो वो ज़्यादा खाएगा, बस यही वजह के कारण उन्होंने उसे बेचने का सोचा था। तो बस अपन ने उसे इंग्लिश में लिख दिया, भोला एंड शांति डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज दे फेल्ट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर। आप इसे यहाँ पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने पैराग्राफ भी स्टडी कर लिया, कुछ तरीका सीखा अपन पैराग्राफ से, कैसे आंसर छाटते हैं, क्या करना है आपको पैराग्राफ को समझना है बस, तो आप खुद भी धीरे धीरे लिखना सीखेंगे। तो फिर ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।